और जनपद पंचायत बरमकेला का ग्राम पंचायत झनकपुर के रोजगार सहायक शिवलाल निषाद को धुराइन सारथी के नाम से जिला पंचायत रायगढ़ में शिकायत किया गया था कि आवास के नाम से 5,000 रुपये लिया है यह कहकर। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि आज ग्राम पंचायत झनकपुर रायगढ़ जिला पंचायत की टीम पहुंची तो धुराइन सारथी द्वारा साफ इनकार कर दिया गया कि मुझे पता ही नहीं है न मेरे से कहीं भी शिवलाल निषाद द्वारा पैसे की मांग नहीं किया गया है। जब हमारे प्रतिनिधि द्वारा ग्राम पंचायत झनकपुर के रोजगार सहायक शिवलाल निषाद को पूछा गया तो यह शिकायत मुझे फंसाने के लिए फर्जी किया गया है, न ही मैंने किसी को पैसे मांगे हैं। तो रोजगार सहायक मतलब कुछ सुनने में आ रही पैसा वैसा दे रहा, शिकायत कर रहा का आप मन? नहीं कर के पैसा मांगी इसका रोजगार सहायक आप मन ठीला ना। तो कौन शिकायत करी से आप मन के नाम में? आप कौन करी से तिलक का जानबो हम तो मन नहीं करे नहीं करे हम से क्या था। मैं शिवलाल निषाद ग्राम पंचायत झनकपुर का रोजगार सहायक जो जनपद पंचायत बरमकेला जी। यहाँ पर कुछ पैसा लेने का आरोप लगाया गया है हितग्राही के द्वारा में, क्या है पूरा मामला? हाँ, ये ग्राम पंचायत झनकपुर में एक आवास हितग्राही हैं गुरैन सारथी जो मेरे ऊपर शिकायत की थी कि 5,000 वो दी है और कमला यादव का फर्जी जियो टैग किए हैं बोलकर शिकायत किए थे जो बिल्कुल सरासर गलत है। आज जिला से भी जांच के लिए आए थे जो बयान में भी स्पष्ट मुकर गई कि मेरे द्वारा शिकायत नहीं किया क्या हूँ बोलकर वो शिकायत करता। तो ये कौन शिकायत किया गया था इसकी? गांव के ही कोई मतलब ये शिकायत करता जो महिला गुरैन सारथी हैं उनको फर्जी तरीके से अंगूठा निशान लगवाए हैं और शिकायत किए हैं आपसी द्वेष भाव से जो शासकीय काम में व्यवधान कर रहे हैं और ये तंग करने के लिए मकसद है विशेष गाँव का कोई भी है आदमी। तो जो शिकायत किया गया है उनके ऊपर में क्या कार्रवाई करवाएंगे जो झूठे शिकायत किया गया है आपके नाम में? उसके ऊपर मैं थाना में FIR करूंगा सोच रहा हूं कल और सख्त सख्त कार्रवाई के लिए मतलब थाना प्रभारी से निवेदन करूंगा जो भी मेरे ऊपर फर्जी शिकायत किए हैं